हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं रस मलाई की रेसिपी। ये रस मलाई बिल्कुल सॉफ्ट, स्पॉन्जी और परफेक्ट बनी है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रस मलाई के लिए सबसे पहले मैं इसका रस या रबड़ी, जो भी आप इसे कहें, मैं वो बनाऊँगी। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर काऊ मिल्क यूज़ किया है। आप जो भी दूध आपके पास हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि ये ताज़ा ही आप बॉईल करें। मलाई उतरा हुआ दूध आप यहाँ पर यूज़ नहीं करें। दूध को मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इसकी आँच धीमे कर दूँगी। इसे हमें धीमी आँच पर ही कुछ देर तक पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी केसर के स्ट्रैंड्स। केसर का फ्लेवर रसमलाई में बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसे क्विक मिक्स दूंगी क्योंकि बाज़ार में जो रसमलाई मिलती है वो येलो कलर की होती है, तो मैं भी आज इसमें येलो कलर ऐड कर रही हूँ। ये फूड कलर है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस रबड़ी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अगर ज़्यादा थिक रबड़ी आप बनाएंगे तो वो मलाई जो है उसे सोक नहीं कर पाएगी। इसे हमें बस 10 से 15 मिनट तक ही पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें बादाम और पिस्ता को स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट इसे पकाने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी क्योंकि चीनी डालने के बाद ये थोड़ी और पतली हो जाती है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। इसे मैं 3-4 मिनट तक और पकाऊंगी और जो भी कढ़ाई में साइड में मलाई जमा हुई है उसे मैं स्क्रैच कर लूँगी क्योंकि यही रबड़ी में सबसे अच्छा टेस्ट देती है। ये हमारी रबड़ी बनकर रेडी है। आप देखिए, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी रखी है। इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए दूध को फाड़ कर मैं छेना बनाऊँगी। यहाँ पर मैं टोंड मिल्क ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध यूज़ किया है। आप यहाँ पर भी काऊ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बट फुल फैट मिल्क यूज़ मत कीजिएगा। इस दूध को हमें उबालना है। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी ताकि ये दूध नीचे नहीं लग जाए। अब मैं यहाँ पर विनेगर ले रही हूँ। आप छेना बनाने के लिए नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आज विनेगर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 चम्मच विनेगर लूँगी और उसमें 3 टीस्पून पानी ऐड करूँगी। दूध में बॉयल आ चुका है। मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे गैस स्टोव से हटा दूँगी। इसे मुझे थोड़ा सा ठंडा करना है। गरम गरम दूध में विनेगर ऐड नहीं करूँगी, इससे हमारा छेना सॉफ्ट नहीं बनेगा। क्योंकि गर्मियों के दिन हैं इसलिए मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसे हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करूंगी। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है हमें इसे। 3 मिनट अप्रॉक्सीमेट ठंडा करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी विनेगर और पानी का मिक्सचर। विनेगर और पानी का मिक्सचर ही बनाकर आप इसमें ऐड करें, इससे भी आपका छेना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इसे मैं धीरे धीरे ऐड करती जाऊंगी और हमारा ये दूध फट जाएगा। अब आप देखिए कि मैंने अपना सारा विनेगर का मिक्सचर ऐड कर दिया है और ये दूध भी
फट गया है, इससे छेना बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसे एक मलमल के कपड़े में छान लूँगी। इस कपड़े के नीचे मैंने एक छन्नी भी रखी है। इस छेना के ऊपर अब मैं फटाफट से ठंडा पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसकी ये ओवर कुक नहीं हो जाए और हार्ड नहीं हो, इसलिए मैं इसे बिल्कुल ठंडा कर दूंगी। और मैं ऐसा 2-3 बार करूंगी ताकि इस छेना में से वेनेगर का सारा फ्लेवर निकल जाए, नहीं तो हमारी रसमलाई में भी वो वेनेगर का खट्टापन आ जाएगा। हमें इसे अच्छे से वॉश करना है 3 से 4 बार और उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आप देखिए कि मैं इसे अच्छे से निचोड़ रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पानी के टैप पर लटका कर भी रख सकते हैं, उससे भी सारा पानी निकल जाएगा। बट मैं अभी शूट कर रही हूँ इसलिए मैं अभी इसे अच्छे से निचोड़ रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तभी ये छेना अच्छे से बाइंड होगा। अब हमें इस छेना को अच्छे से मसलना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर चाशनी के लिए पानी और चीनी को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है और 6 कप अप्रॉक्सीमेट पानी है, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आप देखिए कि छेना में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है, हमें बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अगर आपके छेना में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल भी बाइंड नहीं होगा और आपके हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकेगा, तो आप मेक श्योर करें कि अच्छे से कपड़े के अंदर इसे निचोड़ लें। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इस छेना को अच्छे से अपने हाथों से मसलूँगी ताकि ये एक साथ हो जाए और बाइंड हो जाए। इसे मैं अपनी हथेलियों से अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक मसलूँगी और ये बिल्कुल एक आटे की तरह बाइंड हो जाएगा। इस स्टेप से हमारी रसमलाई में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे और वो बिल्कुल मार्केट जैसी सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगी। बस आप इसे इसी तरीके से बाइंड करते जाइए जब तक कि आपको ना लगे कि छेना बिल्कुल स्मूथ हो गया है और वो इकट्ठा भी हो रहा है। अब आप देखिए मैंने इसे 5-7 मिनट तक अच्छे से मसला है और इसके बाद मैं इसकी बॉल्स पहले बनाऊंगी और उसके बाद इसे हल्के हाथों से फ्लैट कर दूंगी, इसे इस तरह की टिक्की की शेप दूंगी। आप देखिए कि ये बिल्कुल स्मूथ बना है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। बस इसी स्टेज तक आपको अपने छेना को मलना है। अब मैं इसी तरह से अपनी सारी बॉल्स बना लूँगी, तब तक हमारी चाशनी भी बॉयल हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर अपनी सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं, बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हैं। इन्हें अब हम फटाफट से अपनी चाशनी में डालेंगे। अपनी चाशनी को हमें अच्छे से बॉयल करना है, इसमें बिल्कुल प्रॉपर बबल्स आने चाहिए। आप देखिए कि ये कितनी धुआँदार गर्म है। बस इसी वक्त पे हमें एक एक करके ये बॉल्स इसमें ऐड करनी है, एकदम से सारी ऐड नहीं करनी है, नहीं तो इस चाशनी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये हमारी रसमलाई जो है अच्छे से फूलेगी नहीं। हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हुए ही धीरे धीरे इन्हें ऐड करना है। अभी इन्हें हमें ढक कर कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है। इन्हें हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं होनी चाहिए, चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए, तभी ये रसमलाई जो है अच्छे से फूल जाएंगी और सॉफ्ट बनेंगी। 10 मिनट के बाद मैं इन्हें टर्न कर दूंगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं।
अब 10 मिनट के बाद मैं इसे खोलकर देखूंगी और इसे टर्न कर दूंगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है इसलिए ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गई हैं। आप थोड़े बड़े बर्तन का यूज़ कीजिएगा। अब मैं इन्हें बहुत ही धीरे से हल्के हाथों से टर्न करूंगी। मैं यहाँ पर एक नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही धीरे से सावधानी से इन्हें टर्न करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं इस वक्त। अब इन्हें मैं फिर से कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक और पकाऊंगी। गैस का फ्लेम अब फिर से हाई कर दूंगी। बीस मिनट के बाद आप देखिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और ये बॉल्स बिल्कुल डबल ट्रिपल हो गई हैं अपने साइज़ में। एकदम सॉफ्ट दिख रही हैं, स्पॉन्जी दिख रही हैं। इन्हें मैं आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी और उसके बाद इसे रबड़ी में ऐड करूंगी। तब तक हमारी रबड़ी भी ठंडी हो जाएगी। आधे घंटे बाद आप देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी है, ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें इन बॉल्स को ऐड करूंगी। इस बॉल को मैं हल्के से चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो स्क्वीज़ आउट हो जाए, और उसके बाद इसे रबड़ी में ऐड करूंगी। बहुत ही धीरे से आप इस स्टेप को करें, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। बस इसी तरीके से मैं अपनी सारी बॉल्स को इस रबड़ी के अंदर ऐड कर दूंगी। अब इस रसमलाई को हमें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है। इस वक्त पर अगर आप केवड़ा वाटर आपके पास है तो आप इसमें वो ज़रूर ऐड कीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। आप इसे फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखिए और फिर सर्व कीजिए। सो गाइज, आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। देखने में भी टेम्पटिंग लग रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे कमेंट करके बताइए गाइस, आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।